संजना घाड़ी जी अब सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि इस बात का जिक्र पहले आ चुका है कि बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मेरे हाथ में जब पूरी ताकत आ जाएगी तो 370 को मैं हटा दूंगा, जिसके बाद बीजेपी की मोदी सरकार ने वो काम किया। 370 का ऐसा मुद्दा है जिस पर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग रुख अख्तियार करती हैं, कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर बोलने को ही तैयार नहीं नजर आती है, तो इस मुद्दे को अगर वो उठाएगी तो वो आपको नुकसान क्या करेगा संजना घाड़ी जी, ये बड़ा सवाल है। और इस मुद्दे पर आप लोग कहां खड़े हैं? देखिए, महाराष्ट्र एक भारत का एक राज्य है, महाराष्ट्र भारत का दूसरा राज्य है कश्मीर, और जहां पे 370 हटा के उन्होंने एक जो काम वो महाराष्ट्र और राज्यों में आगे रखना चाहते हैं, उस वक्त महाराष्ट्र की जनता आपको कह रही है कि हम लोगों ने 370 हटते हुए देखा है, कश्मीरी पंडितों की होने वाली हत्याओं को हम देख रहे हैं, हम लोगों ने मणिपुर जलता हुआ देखा है, मणिपुर की महिलाओं के ऊपर होते बहुबेटियों पर होने वाले अत्याचार उन्होंने देखे हैं, उन्होंने ये देखा है कि एक दिन में सरकार बदल जाती है, एक रात में नोटबंदी हो जाती है, लेकिन शक्ति कायदा जो कि माननीय उद्धव साहब की सरकार होते वक्त यहाँ से पारित करके भेजा हुआ है उसको सम्मत होने के लिए 2.5 साल लगते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण कायदा है महिला सुरक्षितता के लिए। यही महाराष्ट्र की जनता ने राम मंदिर का जोर शोर से उद्घाटन देखा है, लेकिन टपकता हुआ राम मंदिर भी देखा है, टपकती हुई संसद भी, नई संसद देखी है, शिवाजी महाराज जी का पुतला जिसका उद्घाटन सम्माननीय पंतप्रधान मोदी जी ने किया 8 महीनों में उसको ढेर होते हुए जनता ने देखा है। ये भ्रष्टाचार के मुद्दे है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है, इसका जवाब महाराष्ट्र की जनता दे। मैं एक बार अपनी जेश अवस्थी जी गुलाब चंद दुबे जी कुछ नहीं बोल पाए, बहुत देर से 10 सेकंड ठीक है, राज्य की सरकार है, इन्हीं के लोग हैं जो महिलाओं को रिजेक्टेड माल कहते हैं, अभी तक इनकी पार्टी से नहीं हटा है, इन्हीं का लाइन से जो महिलाओं को इम्पोर्टेड माल कहते हैं, अभी तक इनकी पार्टी से नहीं हटा है, इन लोगों ने पति शब्द का प्रयोग किया था महिलाओं के संदर्भ में, अभी तक नहीं हटा है, क्या बात करेंगे महिलाओं, क्या बात करेंगे, लाज की बहना योजना खत्म करने की बात करते हैं, वोटर्स को नालायक जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये क्या बात करेंगे, आपके ही खासदार है ओलंपिक पटु, जवाब दीजिए, इम्पोर्टेड माल रिजेक्टेड माल बोलने वाले नेताओं को क्यों नहीं हटाया अपनी पार्टी से, आप बताइए मैडम क्यों बताया, मैंने सच रिपोर्ट कर दिया तो घबराहट हो गई, आप बताइए मैडम 100 करोड़ का वसूली रैकेट आप चलाया करती थी जब आपकी सरकार की, भूल गए अनिल देशमुख को 2 साल का जेल काटा है, 100 करोड़ का वसूली रैकेट, महिलाओं को रिजेक्टेड माल कहते हैं, इम्पोर्टेड माल कहते हैं, कैसी बात कर रही है, ये क्या बात है, महिलाओं का अपमान करते हैं, उनको पार्टी से नहीं हटाती है, भारत में लोकतंत्र है जिसमें महिलाओं की भी हिस्सेदारी है, महिला होते हुए महिलाओं के खिलाफ बोलने वाले नेताओं पे आप कुछ नहीं कह रही है, आप जवाब दीजिए, राज ठाकरे हमारे लाइंस में नहीं, आप जवाब दीजिए संजय राउत के भाई बकरी शब्द का प्रयोग करते हैं, क्यों आपने उनको पार्टी से हटाया, जवाब दीजिए मैडम, ऐसी क्या कंपल्शन हो गई, आप तो महिला है, आप जवाब दीजिए मैडम, महिलाओं को रिजेक्टेड माल का शब्द प्रयोग करते हैं, आप जस्टिफाई करती है, एक आदिवासी महिला को झारखंड के अंदर क्या शब्दों का प्रयोग किया था, जस्टिफाई करेंगी, क्या बात कर रही है आप, लाटकी बहना योजना हटाने की बात विटेकर करते हैं उसको जस्टिफाई करेंगी आप, रिजेक्टेड माल कैसे बोला महिला को, अरे राज ठाकरे हमारे अलायंस में नहीं है, आप जवाब दो जो आपकी पार्टी में, आप जवाब दीजिए आपकी पार्टी में कौन है, ठीक है, अब गुलाब चंद्र दुबे जी और अवनीजेश अवस्थी जी को मैं लेकर आना चाहूंगी, ठीक है, आपकी बात हो गई, महिलाओं का ऐसा मुद्दा है जिस पर बढ़ चढ़कर तो तमाम पार्टियां बोलने को तैयार दिखती हैं, लेकिन जब उनके खिलाफ अब शब्दों की बात आती है तो लगता है कि वहां पर लाइन लग गई है, लेकिन अवनीजेश अवस्थी जी एक बार फिर से मैं 370 के मुद्दे पर, जिसको लेकर बीजेपी, ये सही बात है कि 370 इस देश के लिए एक भावनात्मक मुद्दा है, ये भी सही बात है कि जिस दमखम के साथ बीजेपी ने उसको हटाया है उसका चुनावी लाभ भी उसको मिला, लेकिन अब महाराष्ट्र के चुनाव में इस मुद्दे को आप लेकर जा रहे हैं बार बार और दूसरे मुद्दों पर आपको घेर रहे हैं, चित्रा जी आप कश्मीर के मुद्दे गुलाब जी आ रही हूं उसके बाद और धारा 370 को सिर्फ चुनावी लाभ के लिए कर रही है क्या, चुनावी लाभ तो वो ले लेते, बाकी लोग ले लेते धारा 370 हटा करके, अगर चुनावी लाभ मिलता तो क्यों नहीं लिया, इसको चुनाव से मत जोड़िए, देश की एकता अखंडता का मसला है, देश की अखंडता और एकता के लिए कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये लोग आज कश्मीर में जो विकास हुआ है, जो शांति हुई है, जो आतंकवाद में कमी हुई है, कल तक जो मोदी सरकार को गाली देते थे ना, मैं यहाँ पर किसी व्यक्तिगत का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन देश को मालूम है कि वो लोग जो घोर विरोधी थे मोदी के, वो आज मोदी
मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं कि हाँ वास्तव में कश्मीर में बदलाव आ सकता है, कश्मीर की जनता शिकारा चला करके टूरिस्ट के आने से आत्मसम्मानपूर्ण जीवन जी सकती है। ये बाकी देश के लोगों की, आप कह रहे हैं कि नहीं टमाटर के भाव ज्यादा टमाटर के भाव ज्यादा हो गए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, धारा 370। एक बार मैं गुलाम चंद दुबे जी एक क्लोजिंग कमेंट आपका लेना चाहूंगी, लेकिन इस मुद्दे को उठाकर मिलेंगे वोट आपको। चित्रा जी, हम मुद्दे महाराष्ट्र के इस चुनाव को हम 370 का मुद्दा नहीं बनाना चाहते, कोई जरूरत नहीं इसकी। लेकिन मैं विशेष करके अनुराग भदौरिया जी से पूछना चाहता हूँ, अपने बहन संजना से पूछना चाहता हूँ कि 370 को लेकर जिस तरह से एनसी के प्रवक्ता ने कहा, हाँ, उस पे आप सहमत हैं कि असहमत हैं? आप फुल फ्रेम में दिखा दे गुलाब चंद दुबे जी को प्लीज। हाँ, अपनी बात को आगे बढ़ाइए आप। इससे सहमति असहमति इनसे जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये अपना गठबंधन धर्म निर्वाह करना चाहते हैं कि 370 इस देश में लागू हो, कि जिससे देश इस एक स्वतंत्र अभियान के बीच, सच तो पूछो तो अभी पारी है ऑक्युपाइड कश्मीर की, हम इस तरह पढ़ना चाहते हैं चित्रा जी। और अभी आपने जो कहा कि इस डिबेट को मछली बाजार में बना करके विषयांतर हो जाता है, विशेष हट करके मात्र टीआरपी के लिए हो, ये बात अच्छी नहीं लग रही। बात विषय होनी चाहिए, विषय के अंतर्गत बात होनी चाहिए, टीआरपी के लिए नहीं, वोट के लिए नहीं। जिस ढंग से हमने बताया ना कि हमारा चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता, हम खाली इन मान्यवरों से पूछना चाहता हूँ, जिस ढंग से उत्तर करके जिस ढंग से हाथ को फैला करके यहाँ पर विवाद करते हैं, मैं इनसे सीधे पूछना चाहता हूँ, अनुराग भदौरिया जी से और हमारे यूबीटी के प्रवक्ता संजना बहन से पूछना चाहता हूँ, 370-35A के प्रति आपका अपनी सोच क्या है? एक लाइन में बताइए, जवाब देंगे चित्रा जी, ये लोग एक लाइन में हमसे आपने हर मुद्दे पूछे, एक लाइन में क्या अनुराग भदौरिया का स्टैंड जवाब? अपने एनडीए गठबंधन का धर्म निभाना चाहते हैं उस देश में मिल रहा है क्या? चले वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है, आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ महादंगल का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर 370 को लेकर दांव जबरदस्त तरीके से यहां पर आजमाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, लेकिन महायुति को इसके जरिए महाराष्ट्र में क्या मिलेंगे वोट, ये बड़ा सवाल वहां पर बना हुआ है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।